हेलो दोस्तों, मैं संजय लाल शाह, संजय इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर में स्वागत है। और आज मैं आपको लॉजिक कार्ड के बारे में बताता हूँ। लॉजिक कार्ड इस तरह का है जो ये चार्जर में लगाते हैं, जैसे एक नॉर्मल चार्जर जिसमें हम ट्रांसफार्मर लगा होता है 60 वोल्ट और 20 एम्पीयर के, उसमें ये लॉजिक कार्ड लगाते हैं। जिससे लॉजिक कार्ड लगाने की जरूरत क्या है, इसे ऑटोमेटिक ऑफ करना है और जब बैटरी डाउन हो तो ऑन हो जाना चाहिए, इसलिए लगाते हैं इसे। अगर मान लो इसे नहीं लगाएंगे तो क्या होगा कि जब मैं चार्ज में लगाएं बैटरी को, लगातार चार्ज होता रहेगा, चाहे 2 दिन या 3 दिन तो बंद नहीं होगा। लेकिन इसको लगाने से क्या है कि जैसे मेरी बैटरी चार्ज हो जाएगी वो खुद ब खुद वो बंद हो जाएगी, इस कारण से इसको लगाते हैं। लेकिन इसको चलाते कैसे उसके बारे में आप समझिए, चलाते कैसे है इसको, चलाने के लिए 2 ACR लगा हुआ है, जो अभी हीटिंग ऐसे लगा होता, अभी इसमें हीटिंग नहीं लगा हुआ है। और इस ACR को, 2 ACR को चालू करना है। ये 2 ACR से ही इस ट्रांसफार्मर, यहाँ पे एक बड़ा ट्रांसफार्मर होता है, जिस बड़ा एक मान लो ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है। इसके जो AC इनपुट है एक इधर से है और एक बाहर से 220 वोल्ट, ठीक है, इधर से और इधर से। इसकी जो आ रही है ये 220 वोल्ट इस तरह से, इधर से मतलब ये जो 2 ACR का जो कनेक्शन है, इस तरह से ACR जो आपस में ऑन होने के बाद इन दोनों पिनों को टच करता है और टच करने से इस ट्रांसफार्मर को AC करंट मिलता है। और मिलने के बाद इधर से जो 60 वोल्ट आउट होता है जब, लेकिन इस बड़ा वाला ट्रांसफार्मर को इसको ऑन करने के लिए ये कनेक्शन में आपको जो बताया 2 ACR जो है इन दोनों को पिन में आपस में एक सीरीज की तरह काम करता है, जो एक दूसरे को मिला हुआ है। लेकिन जब यहाँ से जब वोल्टेज, अगर मुझे कभी कोई दिक्कत आती है तो मैं यहाँ टच करके देख लेता हूँ कि मेरा अभी का आउटपुट ठीक है कि नहीं है, तो वो तो बात ही बात है। लेकिन अभी आप देखिए कि इसमें जो ऑन करने के लिए इस ट्रांसफार्मर को वोल्टेज देने की जरूरत है, सिर्फ ये काम है इसका, इस कार्ड का। लेकिन इस कार्ड को अगर इसको चालू करने का काम है, लेकिन इसमें वोल्टेज फिक्स भी करना है। मान लो 60 वोल्ट बाहर निकल रही है तो उसको लगातार 60 वोल्ट निकलना चाहिए, ये नहीं कि कभी कम कभी ज्यादा, ऐसे नहीं। तो उसके लिए यहाँ पे 4 पिन का कनेक्शन दिया है। इस कनेक्शन से आपको वो वोल्टेज को स्टेबल करेंगे, मतलब फिक्स रहेगा, कभी भी जिस समय भी वोल्टेज 2-4 सेकंड के लिए कम आए तो कम नहीं होगा, लगातार चलता रहेगा, इस कारण से इसको लगाते हैं। और इसके अगर ये खराब हो, ये वायरिंग सही नहीं होगी तो ये काम भी नहीं करेगा, ऑटोमेटिक फेल हो जाएगा। तो ये इधर इधर का जो ट्यूनिंग का वोल्टेज है जिससे एडजस्ट करने के लिए इसको वोल्टेज देते हैं, और इधर का जो चार है, अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये कनेक्शन इसका है, लेकिन इस कार्ड को चलाने के लिए, इस IC को, इस IC को, ये छोटा IC को, इन सबको चलाने के लिए यहाँ पे 18 वोल्ट देते हैं, जिसके लिए अलग से छोटा ट्रांसफार्मर लगाते हैं। और ये छोटा ट्रांसफार्मर है जो ये आउटपुट ठीक है, ये जो है इसमें और ये जो है इसमें, इस तरह से इसका, ये तो इधर बाहर 220 वोल्ट जैसे इसमें है, ठीक है, 220 वोल्ट, ये 2 पॉइंट है, ये 220 वोल्ट है जो यहां से ऐसे जोड़ लीजिए, या आपको यहाँ पे अलग करके और यहाँ भी अलग कर लीजिए, आपकी मर्जी है। लेकिन इन दोनों को AC देना है, लेकिन ये अलग कर दीजिए तो आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इसको भी AC देना है और इसको भी AC देना है, लेकिन एक AC इसमें डायरेक्ट है और एक इसके द्वारा है, ये घूमते हुए जाएगी ACR द्वारा। लेकिन इसको जो आउटपुट है 18 वोल्ट, AC, ये आउटपुट जो वोल्टेज इसमें 18 वोल्ट, यहाँ पे 78-12 रेगुलेटर है 3 पिन का, और ये 3 पिन में वोल्टेज जो है 18 वोल्ट से 12 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा। लेकिन इसको कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे 4 डायोड है, ये 2 डायोड और इधर का 2 डायोड, 4 डायोड, तो इसकी जो है इसमें वोल्टेज दे दिए। लेकिन यहाँ से जो वोल्टेज, ये तो पिन है, पिन से आते हुए इसमें एक, इसमें और एक जो है इसमें,
इन दोनों में, मतलब एक तार यहाँ पे और एक तार यहाँ पे लगानी है डायोड के ऊपर, इसलिए क्योंकि यहाँ तो एसी जो वोल्टेज 18 वोल्ट है, इसको एसी को पहले डीसी करना है, डीसी करने के बाद इसको देना है। अगर डीसी नहीं देंगे तो सर्किट काम नहीं करेगा, क्योंकि सारे एसी जो है डीसी में काम करता है। तो इसको यहाँ पे कनेक्शन करेंगे और यहाँ से जो माइनस निकला और ये जो प्लस निकला, ये दोनों प्लस निकाल रहा है, ये माइनस निकल रहा है। माइनस प्लस निकलने के बाद ये जो वोल्टेज प्लस की है, ये 78-12 में एक पिन पे लग गया और दूसरे से तीसरे से आउट हो गया, जो ये 12 वोल्ट है। यहाँ ये जो यहाँ पे 12 वोल्ट है, इधर से ग्राउंड हुआ, ये ग्राउंड होगा, ये तो ग्राउंड होगा, ठीक है। अब ये जो है ये रेजिस्टेंस है, ये आपस में दोनों मिक्स होके, अब यहाँ से माइनस है और इधर से प्लस है, ये प्लस इसमें ले लिया और यहाँ से आईसी के लिए देते हैं, आईसी के लिए सब पिन है और इन दोनों को जोड़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस करंट रोकता है, लेकिन यहाँ पे देखिए इधर से 12 वोल्ट है और इधर से निगेटिव है, हम दोनों को यहाँ से निगेटिव कम कर दिया, इधर से वोल्टेज कम कर दिया, दोनों मिलाकर यहाँ पे वोल्टेज जो है 3 वोल्ट, ये आईसी के लिए है, ये अलग है। लेकिन अभी ये जो 12 वोल्ट इसको दिए हैं, ये 12 वोल्ट किसको देने हैं, ये इस आईसी को चौथे नंबर पिन पे और इस आईसी को चौथे नंबर पिन पे, ठीक है, चौथे नंबर पिन पे इन दोनों आईसी को, इसके आईसी जो है इसको भी एक नंबर से जोड़ेंगे, एक नंबर से इस तरह से इनके वोल्टेज इन तीनों को देते हैं, ये 12 वोल्ट आईसी को चालू होने के लिए। तो आपने देखे होंगे कि ये जब सर्किट काम करता है, जैसे 12 वोल्ट अगर नहीं, यहाँ बन के 12 वोल्ट नहीं होगा तो ये सर्किट काम नहीं करेगा, फिर ये वोल्टेज, ये जो यहाँ से जो वोल्टेज जो है इसको एसी मिलना, वो बंद हो जाएगा तो काम नहीं करेगा। तो इस आईसी को चलाने के लिए 12 वोल्ट जरूरी है और ये आईसी सारे मिलके इसको चलाता है, क्योंकि देखिए इसको चलाने के लिए इस आईसी से इसमें इसके पिन में गेट में आता है वोल्टेज, जो इधर से आउट इनपुट है और ठीक इधर से इसका ले लिए, क्योंकि दोनों आपस में है तो ये दोनों, इसका ये पिन होगा तो उसका और पिन होगा, दोनों को गेट में वोल्टेज जाना है। और ये जो है इधर का ये है कैथोड है, ये कैथोड है, ये एनोड है और ये गेट है, ठीक है, मतलब ये इधर का कैथोड हुआ, इधर बीच का एनोड हुआ और साइड वाला जो है उस तरफ जो है गेट, मगर नहीं सॉरी सॉरी, ये जो है इसमें इस तरह से इधर होगा गेट और इधर होगा ये नोड और इधर होगा कैथोड, लेकिन इसकी तरफ क्या होगा, इस तरफ होगा गेट और ये होगा एनोड, ये होगा कैथोड। तो मैं यहाँ पे जगह नहीं, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन इस तरह से ये इस तरफ चेक करेंगे। अगर चेक करने में शॉर्टिंग क्या दिखाएगा, अगर मान लो एसीआर चेक करना है, एसीआर चेक करने के लिए जैसे ये 3 पिन है, ये 3 पिन है, ये 2-3, ये है गेट और ये है एनोड और ये है कैथोड। मीटर से चेक करेंगे तो क्या दिखाएगा, ये मीटर है तो मीटर के दो तार है, एक रेड है, एक रेड मान लो, ये ब्लैक मान लो, ये ब्लैक की तार इधर लगानी है और रेड की तार इधर लगानी है, इन दोनों में यहाँ पे आना चाहिए कम से कम ये 100 से 150 के बीच में आना चाहिए। ये है एसीआर, एसीआर 612, इस तरह से चेक करना है, कैथोड एनोड और गेट, ये स्टार्टिंग के लिए गेट है, अगर यहाँ पे सिग्नल देंगे तो ये दोनों आपस में काम करने लग जाएगा। और ये जो दोनों है ये आपस में, इसमें एक एसी और इसमें एक एसी, दोनों में एसी, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया इधर का एसी इन पे जा रहा है तो इधर से निकल के इस ट्रांसफार्मर में जाना है, तो इसी ठीक इसी तरह इससे हम देंगे तो इधर से निकाल के उसमें ट्रांसफार्मर से आउट ट्रांसफार्मर में डालेंगे। तो ये दो एसी आपस में मिलके, दो एसीआर मिल के आपस में काम करता है, अगर अकेले लगाइए तो उसमें नहीं चलेगा, तो दो लगाकर आपस में काम करता है। इस तरह से दोनों को चालू करेंगे, दोनों चालू करते ही ये यहाँ पे वोल्टेज मिलेगी और इसको फिर आउटपुट वोल्टेज निकलना है। लेकिन इसको फिक्स करने के लिए यहाँ दो प्रीसेट है, ये एम्पियर का है और ये वोल्टेज का है एडजस्ट करने के लिए। लेकिन वोल्टेज एडजस्ट जब होगा, जब यहाँ पे जो 4 पिन है, इस पिन को पहला क्या है 48 वोल्ट या 60 वोल्ट,
क्यों 60 वोल्ट बोल रहा हूँ? क्योंकि ये जो ट्रांसफार्मर से जो आउट होके जो बाहर रेक्टिफायर डायोड की प्लेट पे लगेगा, जो डायोड का प्लेट है उसपे से लेके आना है, तो हम तो 48 वोल्ट इसलिए लिख दिए क्योंकि ये बैटरी में कनेक्ट होता है, तो बैटरी के कारण मैंने 60 वोल्ट लिख रहा हूँ, लेकिन असल में 60 वोल्ट जो आउट होता है उसके ऊपर कनेक्शन होना है। यानी अभी मैं ये लिख देता हूँ यहाँ पे बैटरी नहीं 60 वोल्ट डायोड प्लेट, डायोड प्लेट ठीक है। अब दूसरी ये उसी के निगेटिव है डायोड प्लेट की, तो 60 वोल्ट डायोड प्लेट निगेटिव है, जो आप इसका साइम्बल ऐसे समझ लीजिए ये निगेटिव है। तीसरा नंबर ये एलईडी बत्ती जो डिस्प्ले में चार्जर में जो बत्ती जलती है इंडिकेट करती है कि हाँ ये चार्जिंग चल रही है, उसके लिए चार्जिंग लोड है। इसको हम चार्जिंग लोड से जानते हैं, इसको सिर्फ एलईडी के लिए है, एलईडी और कोई काम नहीं है। इधर का जो है ये भी निगेटिव है, लेकिन वो कौन सा निगेटिव है, ये तो डायोड प्लेट से डायरेक्ट है, लेकिन ये डायोड प्लेट से डायरेक्ट देंगे तो ये काम नहीं करेगा। इसके लिए क्या करना है, ये डायोड प्लेट से जो बैटरी तरफ जाती है यानी बीच में एम्पियर मीटर लगाते हैं, एम्पियर मीटर के बाद मतलब ऐसा कर लेते हैं यहाँ पे एक एम्पियर मीटर है ठीक है, ये एम्पियर मीटर है और एम्पियर मीटर की एक तार इसमें और एक तार इसमें इसमें लगाते हैं, और ये जो तार है ये सीधे बैटरी में जा रही है, बैटरी के निगेटिव है ठीक है। मतलब एम्पियर मीटर के दो तार है, एक तो इनपुट है और एक आउट होके बैटरी में जा रही है, उन दोनों का निगेटिव अलग अलग है। अगर दोनों को आप सोचेंगे कि दोनों तो एक ही निगेटिव है, दोनों को टच करते तो फिर आपको वोल्टेज एडजस्ट करने में दिक्कत आएगी, वो नहीं होगा। और एसीआर को चालू करने के लिए आपने देख लिया गेट में सिग्नल देना होता है, और देने के चेक करने के लिए यहाँ पे कितना दिखाएगा 100 ओम से 150 ओम्स, लेकिन इसको गेट देने के लिए कौन सा आपको देखना है कि इसका जो इस आईसी से इसको एसीआर को चलाना है तो इसका जो एक तो आपने दोनों का गेट पिन दे दिए, लेकिन दोनों का गेट एक पिन से नहीं है, ये अलग अलग पिन से है। एक ये क्या है, एक है 4 नंबर से, दूसरा क्या है 6 नंबर से ठीक है, इस तरह से। ऐसा नहीं कि दोनों को सिग्नल एक ही तरफ से जा रहा, दोनों को अलग अलग सिग्नल है, दोनों को चालू करने के लिए अलग अलग मैंने हर्ज में एक बार ऑफ एक बार ऑन ऐसे करना है, तभी ये इसको सिग्नल मिलेगा सही से। तो इस तरह से ये आईसी काम करता है, लेकिन इस आईसी को चलाने के लिए ये आईसी इसके लिए है। अगर ये खराब होगा तो ये आईसी भी काम नहीं करेगा, फिर एसीआर काम नहीं करेगा, फिर एसीआर बंद हो जाएगा, फिर यहाँ से इसको 220 वोल्ट नहीं मिलेगा, ये भी बंद हो जाएगा। तो ये जो है इसको चलाने के लिए इसका जो सर्किट है उसमें जो देखना होगा, ये चालू होता है और इससे जो आउटपुट होता है ये इसको ये दिखा दिया, इससे जो आउट होता है इसको चालू करने के लिए यहाँ ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर को देता है और ये जो ट्रांजिस्टर है इसको चालू करता है। और ये जो है रेगुलेटर सर्किट मतलब वोल्टेज एडजस्ट करने के लिए, तो इसको एडजस्ट करने के लिए इन दोनों जो प्रीसेट है इनसे कनेक्शन है। अगर ये वोल्टेज एडजस्ट करना है या एम्पियर एडजस्ट करना है, इन दोनों को यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, लेकिन आपको वोल्टेज को फिक्स रखना है तो एडजस्ट करना ही होगा। मान लेते हैं आपने वोल्टेज सही से एडजस्ट नहीं किए और वोल्टेज आ रही है लेकिन आपका जो सेटिंग है वो सही नहीं है, तो आपको वोल्टेज एडजस्ट नहीं होगा और वोल्टेज कभी कभी हाई कभी कम ऐसा दिखाएगा, तो उससे रिपेयरिंग में आप वो उसका ट्रांसफार्मर खराब हो सकता है। तो इसलिए इसको आप देख लीजिए, सारी चीज़ का मैं बता दिया हूँ। तो दोस्तों अगर अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर किसी को कोर्स करना है तो मुझे कॉल कीजिए।
मैं यहाँ पे चार्जिंग के लिए, चार्जर के लिए एजू चार्जर और ये ऑटोमेटिक चार्जर और रोटरी वाला चार्जर और यूट्यूब चार्जर, चारों चार्जर के बारे में बताएंगे और ये कंट्रोलर जो है बाइक का और जो रिक्शे के हैं 1500 वाट का 1000 वाट का ये सारे सारे बारे में और एलईडी टीवी इन्वर्टर इन सारे कोर्स कराते हैं। अगर आपको करना हो तो मुझे कॉल कीजिए। थैंक यू।